कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 के मौके से सीव्यू से तकरीब सिंध के वरी वजीर सैयद मुराद अलीशाह जी खास मेहमान तौर शिरकत तकरीब में मुख्तलिफ मुल्कन जहाँ सफी नुमाइंदाई मुबसर शरीक पाक फिजाइया पारा फ्लाई पास जो मुजाहरों खुलल समुंड में दहशतगर्दी खिलाफ ऑपरेशन निशान पाकिस्तान जो भी शानदार मुजाहरों किया पाकिस्तान मैरीन पारा गन ड्रिल जो शानदार मुजाहरों दहशतगर्दी के वाक़ में पाजा उजवा विंदड़ गाजी भी शरीक माजूर जवानों के बिच में बास्केटबॉल की दोस्तानी मैच भी कराई वही कमांडर कोर्स जो चवण है टे हथियारबंद फौजू पैं असासन समय नुमाइश में शरीक हैं जंगी असासन की ऑपरेशनल सलाहियत लाए अमली नुमाइश मुनद कई वही है सिस्टम समेत मुख्तलिफ दिफाई औजार नुमाइश में रखा वह हैं पाक नेवी मुल्की सलामती के दिफा में अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान खिते में अमन लाई कोशिशों कर रो है। पाकिस्तान की बहादुर फौज अमन की सलामती की भरपूर सलाहत रखे थी। सिंध के वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह जो आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 के सीवी से थियल तकरीब के खिताब संद चवण है साइबर सिक्योरिटी और माहौलियाती तब्दीली मौजूदा दौर जहा बड़ा चैलेंजेस हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू जो कराची एक्सपो सेंटर में मुनद आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 जो दौरों मुख्तलिफ स्टॉल्स जो जायजो ISPR मुजिब पाक फिजाइया के सरबराह नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी जरिए मकामी सनअतों की सलाहियत हुनर के हथी वठाने से जोर दिनों। जहीर अहमद बाबर सिद्धू दौरे दौरान परडेही वफदन से मुलाकात भी कई। मुलाकात में एरोस्पेस औजारों की खरीद विक्रे तोड़े दिफाई सनअत में खुदमुख्तियारी बधाने बाबत मामलों से ख्याल की डेवट पाक फिजाइया के सरबराह दिफाई सनअती फ्रेमवर्क के क्याम की हौसला अफजाई करते फ्रेमवर्क जो मकसद एरोस्पेस शोबे तरक्की में मसला खत्म करना है। ही नुमाइश दिफाई एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में अगभराई जो बेहतरीन नमूनो है। दिफाई नुमाइश मुल्की तोड़े परडे ही मेहमान के ध्यान जो मरकज बनल पाकिस्तान गड़ियल कौम की सलामती कौंसिल में गजा जंग बंदी वो ठहराव वीटो करते अफसोस जो इजहार किया है। असा इसराइली सरगर्मियों बाबत यूएन खास कमेटी के गुजरल हफ्ते जारी कल रिपोर्ट की आजियाँ करूँ था। वालारल कश्मीर जो अवाम आलमी ध्यान जो मुंतजर है। अफगानिस्तान के लिए खास नुमाइंदे के मुकर्र करने की काबिल सिफारिश गौर हेठ ना है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहन के महफूज पनाहगाहों से खदशा है। परदेही खाते की तर्जुमान मुमताज वोरा बलोची हफ्तेवार ब्रीफिंग चवे थी तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत से बेलारूस जो सदर 25-27 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा कर पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन जो गड़ियल ट्रेड कमीशन जो 14वां सेशन इस्लामाबाद में जारी है। उम्मीद करूँ था भारतीय इंतजामिया पैंने समूर शहर खासतौर पर मुसलमान की मजहबी आज़ादी के यकीनी बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसा मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ जो कि काफ़ी मुतनाज़ा होता जा रहा है और वो ये तजवीज़ है वफाकी हुकूमत की तरफ से कि 6 और कनाल इंडस रिवर से सिंधु से निकाला जाए और हमारे जो बैरन इलाके हैं वो इलाके जहाँ काश नहीं होता वहाँ इरीगेट भी करे वहाँ हम कॉपर फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस करें और हमारा मीशत को फ़ायदा हो। मसला सिर्फ इतना है कि अगर ये कंसेंसस के साथ नहीं किया जाता अगर सियासी तौर पे जो एतराज़ात हैं कम्युनिटीज़ हैं ख़ास तौर पे लोअर अपरेरियन इलाके से सिंध से बलूचिस्तान के उनके जो एतराज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता तो इस कदम से हम पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो सिंधु दरिया से नवा कैनाल अडण वे मनसूबे से स्टेक होल्डर्स के एतमाद में वो मुतालबो सन चवण है तो जर सिंध बलूचिस्तान जो एतराज़ न बुधा वह तो सिंधु दरिया से वधी कैनालन वो वफाकी हुकूमत जो मनसूबो कालाबाग डेम वागर तकरारी बणजी वो तकरारी मनसूबन के शुरू कर बदर समूर स्टेक होल्डर्स के एतमाद में वही भाईवार गाल करें तफाकी राय कायम कई वे जबरदस्ती राय मरण से सलाह सियासत जरात मईशत मुतासर थी। बिलावल भुट्टो जरदारी जो चवण है तो वफाकी हुकूमत फैसले से गौर करें अस वफाकी हुकूमत के समझाने की कोशिश कदासी पीपल्स पार्टी ग्रीन सिंध जो मनसूबो वफाकी हुकूमत से शेयर कबो वफाकी हुकूमत भी नुकता अस शेयर करें। गड़ियल मुफादन वाली कौंसिल जो इजलास घुरा वे सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत का मुतालबो संद चवण है आइन के आर्टिकल 154 तहत हर 90 दिन अंदर इजलास घुराने जरूरी है। 9 महीना मुकम्मल थारा पर CCI जो को भी इजलास ना घुराया वो आइन तहत इन वक्त तीन 3 इजलास घुर्जन हाँ इजलास घुराए आइनी जिम्मेवारी पूरी कई वे।
सिंध में अगे पानी की खोट है। सिंधु दरिया से नवल कैराल लाए पानी किथा इंदो? सिंध जो सीसीआई के खत वे वजीर सैयद मुराद अली शाह की हिदायतुन बैनल सूबाई राबतन वाले खाते के डेप्टी सेक्रेटरी सीसीआई के खत लिखी चोलिस्तान कैनाल समेत सिंधु दरिया मां बया कैनाल कढ़ मनसूबन से एतराज बारे छो। सिंधु हुकूमत पारा खत में मनसूबन से सख्त खदशन जो इजहार। गरीन मफादन वाली काउंसिल के इजलास के एजेंडा में तकरारी कैनाल कढ़ वो मामलो शामिल करो मुतालबो पिण वो खत में वो तो 4000 क्यूसिक वो चोलिस्तान कैनाल 6 लख एकड़ एराजी आबाद कंदो बुधायो बने तो पानी किथा का बचाए छो। सिंध अगे पानी की खोज जो शिकार है। कैनालन से एतराज आन डाउन स्ट्रीम में पानी न छड़ सबब लखें एकड़ जमीन समुंड गिड़काए चुको। यो सिलसिलो तेजी से जारी है। खरीफ में पे ही पानी की खोज पैदा थिए थी। पानी के इंतजाम से सिंध जहा खदशा बेबुनियाद ना। पानी सभी को गडियल हक है। इतफाक राय का सवाय को भी मनसूबो शुरू कर नामुनासिब अमल है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिली नाम मेमण जो पंजाब की इतलात वाली वजीर उजमा बुखारी के बयान से रद्द अमल चवे तो 91 जो पानी मुआदो सिंध समेत समूरन सूबन में पानी की मनसफानी विरछ के लाजमी करार दिए तो। उजमा बुखारी पैर जमीनी हकीकतू मालूम करें बयान दिए। अस चाहूँ था पूरे पाकिस्तान में खुशहाली हुए ज़रात जो शोबो तरक्की करें। नंढन हारन के सहूलतों मदद की जरूरत है। सिंध जो मौकफ चिठो है। रावलपिंडी की दहशतगर्दी टोड़ अदालत 28 सेप्टेंबर के बिगोड़न बाबत न्यू टाउन थाने ते दाखिल केस में पीटीआई बानी जो 5 दिन जो पुलिस रिमांड मंजूर कर वरतो। जज मोहम्मद अमजद अडियाला जेल में केस की बुधनी कई। पीटीआई बानी के अदालती कमरे में पेश कर वो। अदालती निज़ाम में शफाफियत एहतसाब के बरकरार रखने में कोर्ट के रिपोर्टर्स जो अहम किरदार रो है। साफिन के भले लाए सिंध हुकूमत कारायता कदम कया हर खातो पैं किरदार अदा करे तो मसलन में छुटकारो हासिल कर सके तो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिली नाम मेमण की कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफद से मुलाकात दौरान गाल बोल संदस चवण है ट्रांसपोर्ट खाते जहा कराची में रुगो 2 इंस्पेक्टर मुकर्र हैं जे समूर गाड़ियों के लिए काफ़ी ना पुरानी बसों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी क्या पे वन केतर ही दुखियन बावजूद डीआरटी मनसूबे कम तेजी से जारी है। कराची में 15,000 बसों की जरूरत है। डेकर बसों से गड बी बसों भी खरीद कर पाया। हैदराबाद सखर लाड़काने मीरपुर खास शेद में हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के जिले कुरम में मुसाफिर गाड़ियों से हथियारबंदन की फायरिंग में 8 जणा मारजी वाया केतरा ही जख्मी। जिले कुरम में पारा चिनार खा पिशावर भींदड़ गाड़ियों के काफे से हथियारबंदन फायरिंग कर दिनी। फायरिंग में 3 औरतों समेत केतरा ही जख्मी भी थिया जिनके अस्पताल मुंतकिल कर वो। सदर आसिफ अली जरदारी पारा जिले कुरम में मुसाफिर गाड़ियों से फायरिंग वाले वाक़े की मुजम्मत जानू जया थे अफसोस जो इजहार सदर चवण है त मुसाफिरन से हमलों इंतहाई बुजदिलानो इंसानियत खिलाफ अमल है। शहर से हमलों कदड़न के अंजाम ताई पहुंचाया वो। पीटीआई के 24 नवंबर से एहतजाज की नजर में रखते हुकूमत तरफा 23 नवंबर का इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस जुजी तौर से बंद रखने का फैसलो। जरिए मुजिब इस्लामाबाद केपी और पंजाब के मुख्तलिफ जिलों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद रखी वी। पीटीआई तरफा सुबह का मोबाइल इंटरनेट सर्विस से फायरवॉल फाल किया वो। फायरवॉल से इंटरनेट सर्विस की स्पीड घट और सोशल मीडिया से वीडियोज और ऑडियोज डाउनलोड नी सकती। अदालत की अथॉरिटी के घट थियण नरी नासी जस्टिस जमाल मंदुहेल जा सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक केस की बुधनी दौरान रिमार्क्स। जस्टिस अमीन दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ऑडियो लीक कमीशन केस की बुधनी कई। जस्टिस अमीन दीन खान रिमार्क्स ना तो ऑडियो लीक कमीशन लाइव इशू है। कमीशन जो चेयरमैन रिटायर्ड थी चुको है। कमीशन जो एक बो मेंबर सुप्रीम कोर्ट जो जज बणजी चुको है। जैसे नई कमीशन ठही तो हि केस गैर असरायतो थी। आईनी बेंच ऑडियो लीक केस में वफाकी हुकूमत का रिपोर्ट तलब कदे अटर्नी जनरल के हुकूमत का हिदायतों वी आगाह कर हुक्म दिनों। ईरानी तेल की स्मगलिंग में मदद करने इल्ज़ाम सदाई कोर्ट आईजी सिंध पुलिस के बिन पुलिस एहलकार खिलाफ हतमी कार्रवाई का रोके छो। अदालत आईजी सिंध और बिन का 10 दिसंबर से लिखित में जवाब घुरी वरतो। दरख्वास्त गुजार वकील दलील ना तो आईजी सिंध सफीर मरखंड और फैसल कुरेशी खिलाफ कार्रवाई शुरू कई है। कार्रवाई जो अख्तियार लागापियल SSP के है। आईजी सिंध के मुअतल कल एहलकार खिलाफ कार्रवाई का रोक वे।
वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान या अफगानिस्तान के मामले बाबत बरतानवी नायब परदेही वजीर हिमेश फाल्कन की मुलाकात इस्लामाबाद में थियल। मुलाकात में गडियल दिलचस्पी के मामलन पाक बरतानिया लागापन के ख्याल की देवर बिन्हीं मुल्क बिच में बिरतरफन इलाकई मामलन से मजबूत हम आहंगी की जरूरत जोर दिनों वो। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी पाक बरतानिया लागापन के मुस्तहकम बढ़ाने की जे अज़्म जो वर्जाव कद बरतानिया पाकिस्तान जो मजबूत ए बेहतरीन दोस्त मुल्क है। वक्त अची वो है गडियल सहकार के पायदार इक्तसादी पार्टनरशिप में तब्दील किया वे। पाकिस्तान में अकलियतन के समूरा हक हासिल है। अकलियती बरादरन जो तहफुज असांजी पे ही तरजीह है। शहीद साफी जान मोहन महर मोहम्मद बचल घुनियो के कातिल की गिरफ्तारी ए प्रिया कुमारी की बाजियाबी जो वायदो नथो करें उम्मीदों से दुनिया कायम है। उम्मीद कर सके थी ए आई सखर फैसल अब्दुल्ला चाचर जो सखर में भी असा गालू चवे तो सुबाने का पुलिस ऑफिसर से गडजाण क्यों वेंदी सखर डिवीजन के एसएसपी से गडजाण बाद द्वार खिलाफ कार्रवाई ला प्लानिंग कर रहा है। नामियारे बर्ख सियासतदान सरवरी जमाए के रूहानी पेशवाई पीपी पार्लियामेंटेरियन के अगूणे सदर मखदूम मोहम्मद अमीन फहीम की अज नाई वर्सी मल्हाई पी वे। हाल में दरगाह सरवर नूर के अंगण में मखदूम अमीन फहीम के रूह के इसाले सवाब लाए कुरान खानी वर्सी में शिरकत लाए सरवरी जमाए जा मुरीद अकीदतमंद वे अंग में पहुंचल। अमेरिका के उत्तर ओलहवार इलाके में आज तूफान तबाही मचा छी 5 लख मू बिजली का महरूम थी। तूफान के नतीजे में केतरा मूल फौत केतरा घर तबाह थे। तूफान सबब पड़ोसी मुल्क कैनेडा में भी बिजली की फरहमी मुतासर। तूफान सबब रियासत वॉशिंगटन में तेज हवाओं घुलियो जोरदार बरसात पई। तूफान सबब ओलह वॉशिंगटन के स्कूल में भी तदरीसी अमल मुतासर।